वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग के बारे में। आप सोच रहे होंगे ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग ही क्यों और आजकल इतने चर्चे में क्यों है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ, बट इससे पहले कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग से पहले कौन सी टेक्नोलॉजी थी या कौन सी टेक्नोलॉजी है जो अभी यूज हो रही है, तो वो है लाई डिटेक्टर टेस्ट। लाई डिटेक्टर टेस्ट को पॉलीग्राफी टेस्ट भी कहते हैं, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है। लाई डिटेक्टर, लाई को डिटेक्ट करने वाला टेस्ट। पॉलीग्राफी टेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इस टेस्ट का जो आउटपुट होता है वो एक ग्राफिकल फॉर्म में आता है। लाई डिटेक्टर टेस्ट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले एक्यूज्ड को कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स दिए जाते हैं, लाइक सोडियम थायोपेंटेनल, जिसके बाद कुछ मल्टीपल लीड्स उसके हाथों से अटैच किए जाते हैं। उसके बाद उससे कुछ कस्टमाइज्ड, कुछ कंट्रोल्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसका कुछ स्पेसिफिक आंसर ही दिया जा सके, और उस क्वेश्चन एंड आंसर के ड्यूरेशन में अक्यूज्ड का बिहेवियरल रिस्पांस एंड इमोशन बेस्ड फिजियोलॉजिकल रिस्पांस भी रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी रेट, इलेक्ट्रोडर्मल एक्टिविटी जो स्वेटिंग होती है फिंगर टिप्स पे, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, इन सब चीज़ों को एक ग्राफिकल फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है। टेस्ट के बाद इन रिजल्ट्स को एनालाइज किया जाता है और एनालाइज करके बताया जाता है कि अक्यूज सच बोल रहा था या झूठ। जैसा कि आपने देखा होगा कि जैसे आप अपने मम्मी से या पापा से झूठ बोलते हैं तो आपकी हार्ट बीट थोड़ी सी तेज़ हो जाती है, दिल की धड़कन थोड़ी सी बढ़ जाती है। यही है इमोशन बेस्ड फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस। कुछ क्रिमिनल्स का अपने बॉडी पे बहुत अच्छा कंट्रोल होता है, वो अपने इमोशंस को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं। वहाँ पे लाई डिटेक्टर टेस्ट भी फेल कर जाता है। वहीं से ज़रूरत पड़ती है हमें ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग की। ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग है क्या? ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि डिटेक्ट करेगा कि कोई भी इवेंट किसी पर्सन के साथ पास्ट में हुआ है कि नहीं। ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग में P300 वेव का यूज होता है। 1965 में एक साइंटिस्ट के ग्रुप ने एक पर्सन को कुछ फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स दिखाए थे, वो ऑब्जेक्ट्स जिनसे वो काफ़ी फेमिलियर था, तो उन्होंने उस पर्सन के EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जो में एक इलेक्ट्रिकल सर्ज देखा, जो ब्रेन से वेव्स निकल रही थी उसमें एक सर्ज देखा, और उन्होंने उस वेव का नाम P300 दिया। P300 इसलिए क्योंकि वो जो वेव्स थी वो फेमिलियर ऑब्जेक्ट जो उन्होंने दिखाया उसके दिखाने के 300 मिलीसेकंड के बाद वो वेव्स इमर्ज हुई, और उन्होंने ये देखा कि किसी भी पर्सन को अगर कोई फेमिलियर ऑब्जेक्ट दिखाया जाता है तो वो P300 वेव इमर्ज होती है। लेकिन अभी तक उस P300 वेव के ओरिजिन के बारे में अभी तक कुछ साफ से कहा नहीं जा सकता। अब बात आती है कि ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग और लाइट डिटेक्टर टेस्ट अलग कैसे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग में P300 वेव का यूज होता है, जबकि लाइट डिटेक्टर टेस्ट में इमोशन बेस्ड फिजियोलॉजिकल सिग्नल्स को रिकॉर्ड किया जाता है और उसको एनालाइज किया जाता है। लाई डिटेक्टर में एक वर्बल कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्वेश्चन आंसरिंग जो करते हैं है जो कि वर्बल कम्युनिकेशन है, ऐसा कुछ ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग में नहीं यूज होता। ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग में कोई पिक्चर्स दिखाया जाता है जो कि स्टिमुलस के रूप में होता है, जिस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में P300 वेव न्यूरॉन से निकलती हैं। ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग का सबसे पहला यूज 1999 में एक वुड कटर था जेम्स ग्राइंडर नाम का, जिसने कन्फेस किया कि उसने 15 साल पहले जूली हेल्टन नाम की लेडी का मर्डर किया, बट कुछ समय बाद उसने अपने स्टेटमेंट वापस ले लिए। वो अपने बयान से मुकर गया और उसका बयान लगातार समय के साथ चेंज होता रहा। उसी दौरान फारवेल साइंटिस्ट ने ग्राइंडर पे ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग का सबसे पहला यूज किया था और उसे कुछ क्राइम सीन्स के पिक्चर्स दिखाए गए, जैसे कि मर्डर वेपन, विक्टिम को जो इंजरी हुई थी, विक्टिम को किस रूप से बांधा गया, और उन्होंने P300 के इमर्ज को देखा। जैसा कि मैं आपको विजुअल्स में दिखाता हूँ, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर जो पहनाया गया है अक्यूज्ड के हेड पे, और यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ पिक्चर्स दिखाए गए और उस पिक्चर्स ने स्टिमुलस का काम किया, जिसके रिस्पॉन्स में कुछ वेव्स निकली जो कि इस वायर के थ्रू यहाँ सिस्टम में इनपुट हुआ, और यहाँ से स्पेसिफिक प्रोग्राम के थ्रू उसे एनालाइज किया गया, और जेम्स ग्राइंडर के केस में पाया गया कि सारे पिक्चर्स, सारे इवेंट्स उसके ब्रेन में पहले से रिकॉर्डेड थे, जो क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थे उस क्राइम से रिलेटेड, जिसके बाद जेम्स ग्राइंडर को
मौत की सज़ा हुई। और मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। पिक्चर शोन टू इंडिविजुअल्स जो कि न्यूरॉन्स को ट्रिगर करेगी ब्रेन वेव जनरेट करने के लिए, P300 वेव जनरेट करने के लिए, जो कि एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के फॉर्म में ब्रेन में एक्यूमुलेट होंगी। वहाँ से जो एक स्कैल्प पे कैप लाइक स्ट्रक्चर था वो डिटेक्ट करेगा उन वेव्स को, जिसके बाद वो एनालॉग सिग्नल जनरेट करेगा जो कि एम्पलीफायर के थ्रू एम्पलीफाई होगा, और उसके बाद गिल्टी और नॉट गिल्टी ये कंप्यूटर प्रोग्राम एनालाइज करके बताएगा। अभी तक जो रिजल्ट आए हैं ब्रेन फिंगरप्रिंट के वो काफ़ी एक्यूरेट रहे हैं। टेक्नोलॉजी को फॉरेंसिक्स एविडेंस के रूप में नेशनल सिक्योरिटी एंड क्राइम जस्टिस में यूज़ किया जा सकता है। काफ़ी एक्यूरेट रिजल्ट्स होते हैं इस टेक्नोलॉजी के। बात आती है कि मैं आपको बता क्यों रहा हूँ। अभी जो हाथरस केस हुआ था उसके अक्यूज्ड पे ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग का ही यूज़ किया जाने वाला है गांधीनगर में। गांधीनगर ही क्यों, क्योंकि इंडिया में जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है वो गांधीनगर का काफ़ी स्पेशलाइज्ड, काफ़ी एडवांस्ड है। वीडियो को यूं फैला दो हवाओं में कि ये ठंड भी आके कह दे भाई साहब आग लगा दी जमाने में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।